आपने सिपाही को दरोगा बनते देखा होगा, दरोगा को थानेदार बनते देखा होगा और थानेदार को ड्यूटी एसपी बनते देखा होगा। लेकिन यूपी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ड्यूटी एसपी को डिमोशन कर दोबारा सिपाही बना दिया। कृपा शंकर की एक गलती ने उनको कांस्टेबल बना दिया। दरअसल महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए सीओ पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्नाव के बीघापुर के तात्कालीन सीओ कृपा शंकर कनौजिया को डिप्टी एसपी से डिमोट कर सिपाही बना दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उनका डिमोशन किया गया है। डिप्टी एसपी को उनकी नियुक्ति के मूल पद सिपाही पर रिवर्ट कर दिया गया। आरोप है कि कृपा शंकर ने 6 जुलाई 2021 को पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी थी। इसके बाद उन्नाव के एसपी ने उन्हें छुट्टी पर जाने की इजाजत भी दे दी थी। ये भी आरोप है कि छुट्टी पर जाने के बाद कृपा शंकर गायब हो गए थे और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। जानकारी के मुताबिक कृपा शंकर कनौजिया ने छुट्टी के लिए झूठ बोला था और उनके गायब होने के बाद पत्नी परेशान हो गई थी। फिर कृपा शंकर की पत्नी अपने डिप्टी एसपी पति के गायब होने की शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंची, तब मामले का खुलासा हुआ। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने कृपा शंकर के फोन का लोकेशन निकाला और एक होटल में पहुंची, जहां वो एक महिला कांस्टेबल के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृपा शंकर कनौजिया को आचरण नियमावली का दोषी पाया गया, जिसके बाद उनका डिमोशन किया गया। जब कनौजिया ने छुट्टी मांगी थी और महिला कांस्टेबल के साथ होटल में पकड़े गए थे, तब वो उन्नाव जिले में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। डिमोशन के बाद उन्हें वर्तमान में गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएसी में तैनात किया गया है। विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने कनौजिया को उनके प्रथम नियुक्ति सिपाही पद पर रिवर्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी के बाद उन्नाव के एसपी ने पड़ताल के आदेश दिए। पता चला कि कनौजिया का मोबाइल लोकेशन कानपुर के एक होटल में मिला। इसके बाद पुलिस होटल पहुंची, जहां वो कमरे में महिला कांस्टेबल के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले थे। अब इसी मामले में कंधे पर लगा 3 स्टार हट गया है और सिपाही बन गए।